दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप ऑनलाइन आरटीआई कैसे कर सकते हैं। आप आज सरकारी विभाग हो, प्राइवेट विभाग हो या कोई भी विभाग हो, हर जगह कुछ न कुछ धांधली, कुछ न कुछ अन्याय, इस तरीका की चीजें होती रहती है। उन चीजों से आपको न्याय पाने के लिए अदालत जाना होता है और अदालत में आपको चीजों को साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो न्याय पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये सबूत जमा करने में आरटीआई आपका काफी मदद करता है। आरटीआई के जरिए आप बहुत सारे सबूतों को अपने पास ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आरटीआई कैसे करना है, किस हिसाब से उसमें सबूतों का डिमांड करना है, क्योंकि जो सामने आपके बैठा है, विपक्ष में बैठा है, वो उन चीजों को आपको देने में जितनी पॉसिबल अनाकानी हो सकती है, जितने पॉसिबल बहाने हो सकते हैं, जितनी पॉसिबल अड़चने हो सकती है, वो सारी चीजों को लगाने की कोशिश करेगा। उन चीजों से बचते बचाते आपको इस तरीका से अपने डिमांड को रखना है कि वो उन चीजों को देने के लिए मजबूर हो जाए, तब जाकर आपको वो सारी चीजें मिल पाती है। नहीं तो हर कोई आपको चीजों को नहीं देने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। आपके आरटीआई में थोड़ी सी मिस्टेक हुई नहीं कि उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आरटीआई के स्टेटमेंट है उसमें थोड़े से गड़बड़ हुई नहीं कि उसको किसी न किसी पारा के तहत देने से मना कर दिया जाएगा। तो इन चीजों को जानते बूझते समझते संभलते आपको आरटीआई करना है। ऑनलाइन आरटीआई करने के लिए आप आरटीआई ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको जो भी उसका चार्ज है उसको देने के साथ साथ आपको रजिस्ट्री वगैरह का भी खर्च लगता है। इसके अलावा एक झंझट रहती है, कब वो पहुंचेगा, कब वहां से उसका नोटिफिकेशन आएगा, डिलीवरी स्टेटस चेक करना, इस सारी कई तरह के झंझट है। लेकिन ऑनलाइन में जो है, जैसे ही आप आरटीआई सबमिट कीजिएगा वैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, वैसे और बाकी चारे जो रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट वगैरह का झंझट भी इसमें नहीं रहेगा। आरटीआई ऑनलाइन करने के लिए जो साइट है वो गवर्नमेंट साइट है, ये rtionline.gov.in नाम से है। इस साइट पे आपको जाना है। यहाँ से वैसे तो आप बिना किसी रजिस्ट्रेशन के डायरेक्ट आरटीआई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। पहले इस साइट पे आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद उसे लॉग इन कीजिए और तब आरटीआई कीजिए। इससे क्या होगा कि कभी भी आपको अपना स्टेटस चेक करना रहेगा या उसके आगे की स्टेज उसमें लेनी होगी, तो आप अपने अकाउंट में लॉग इन करके उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन किए करते हैं तो उसको चेक करना के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं लिख के रिमेम्बर करके रखना होगा और उसी के जरिए आप चेक कर पाइएगा। लेकिन अगर आप लॉग इन करते हैं तो वहाँ आपको टोटल रिकॉर्ड रहेगा। इस पर रजिस्टर करने के लिए ये जो लॉग इन फॉर रजिस्टर यूजर इसका कॉलम है, इसमें देखिए नोट, ये साइन अप का ये लिंक है। सबसे पहले आप साइन अप पर जाइए और यहाँ से जो है सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसमें आपका जो भी चीज है, यूजर नेम सेलेक्ट करना, पासवर्ड सेलेक्ट करना वगैरह वगैरह, जो भी ईमेल आईडी वगैरह, जो डिटेल्स है, एड्रेस है, कंट्री है, फोन नंबर है, मोबाइल नंबर, ये अपना एक्चुअल स्टेबल दीजिएगा। जैसे एड्रेस वगैरह जो है, जो एड्रेस आप दीजिएगा ऑटोमेटिक आपका उसमें आरटीआई फॉर्म में भरा जाएगा। तो यहाँ जो भी चीज आप दीजिए ऐसा दीजिए जिस पर आप को ट्रेस किया जा सके, जिस पर आपके लेटर्स पहुंच सके, जिस पर आपको कोई रिप्लाई मिल सके। तो उन चीजों को भर के पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है तो यहाँ से मैं सीधा पहले लॉग इन करता हूँ। यहाँ से साइन इन का ऑप्शन है, मैं साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद इस साइट में हम साइन इन कर गए। यहाँ देखिए जो भी आपका रजिस्टर्ड पेंडिंग डिस्पोजल वगैरह है सब यहाँ आपका दिखा रहा है। तरीका से आपका यहाँ टोटल शो करेगा, यहाँ से आप हर चीज चेक कर सकते हैं। तो अब आरटीआई करने के लिए सबसे पहले यहाँ सबमिट रिक्वेस्ट पे आपको जाना है। सबमिट रिक्वेस्ट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपको नया पेज में लेके आएगा जो आपको गाइडलाइन दे रहा है कि किस तरीका से करना है। ये गाइडलाइन जो नॉर्मल गाइडलाइन है वही नॉर्मल गाइडलाइन है। इसमें आपको पैसे कैसे दीजिएगा, किस हिसाब से भरिएगा, ये सारी चीजें बताई गई है। इसको आप पढ़ के आप देख सकते हैं, और नहीं भी देखिएगा तो मैं इसको आगे सारी डिटेल आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से करना है। इसमें नीचे आके ये गाइडलाइन को हम समझ लिए है, इस पर क्लिक कीजिए और सबमिट का बटन दबा दीजिए। ये सबमिट करने के बाद ये आरटीआई पोर्टल आपका खुल गया, फॉर्म आपका। इसी फॉर्म में आपको टोटल डिटेल जो है भरने हैं। तो सबसे पहले आपको पहला चीज इसमें जो सिलेक्ट करना है वो है सिलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपेक्स बॉडी, यानी किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड आपका आरटीआई है, किस डिपार्टमेंट से, वो सिलेक्ट करना है। इसको ड्रॉप
ड्राउन मेनू को निकालिएगा तो इसमें काफी सारी चीजें हैं, आपको कैबिनेट सेक्रेटरी, कंट्रोलर, ऑडिटर, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, इस तरीका से ऑटोमिक एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल एंड पेट्रो केमिकल्स, ये सब डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिफेंस प्रोडक्शन, हर तरह का चीज है इसमें आपको जो रिलेटेड है आपका जिस विभाग से आप। ये देखिए राज्यसभा सेक्रेटरिएट भी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ भी है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट भी है, जहां भी डालना है वहां आपका चला जाएगा। हम रेलवे से हैं, रेलवे पर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसमें देखिए चूज करना है, आपको जो जिस विभाग का चाहिए उसको चूज कीजिएगा, हम रेलवे पर कर रहे हैं तो रेलवे का चूज कर रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मैंने चूज कर लिया। अब इसके बाद सेकेंड जो है पब्लिक अथॉरिटी, यानी जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर भी सब ब्रांच होगा, उसी तरीका से ये जैसे मैंने रेलवे का चूज किया तो रेलवे का जोन्स है, डिवीजन है, उन चीजों के ऑप्शंस आएंगे। आप दूसरा चीज सेलेक्ट कीजिएगा तो उसके जो ब्रांच है वो सारी चीजें आएगी। तो ये हमारा ब्रांच है ईस्ट सेंट्रल रेलवे में धनबाद डिवीजन पर कर रहे हैं, तो मैंने इसमें धनबाद डिवीजन सेलेक्ट किया तो ये आपको ऊपर नोटिफिकेशन भी दे दिया कि आपने ईस्ट सेंट्रल रेलवे धनबाद डिवीजन चुना है। इस तरीका से ये दो कॉलम हमने भर लिया। उसके बाद ये नीचे का टोटल एड्रेस आपको ऑटोमेटिक जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम में किए हैं वो सारा इसमें ऑटोमेटिक भरा हुआ है, उसको केवल एक बार सरसरी नजर डाल दीजिएगा कि सारा सही है कि नहीं, और उसके बाद आ जाइए नीचे। नीचे आने के बाद ये रिक्वेस्ट डिटेल पर आते हैं। रिक्वेस्ट डिटेल में आपको सबसे पहला है सिटीजनशिप, जो कि ऑलरेडी जैसा आप रजिस्ट्रेशन में डाले हैं वैसा भरा हुआ है। उसके बाद कहता है इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी आप जो है क्या पॉवर्टी लाइन के नीचे है या पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। अगर पॉवर्टी लाइन से नीचे है तो आपको इसमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपका फ्री में होगा और आपका फ्री में आरटीआई का जवाब। लेकिन अगर आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर है तो यहाँ नो सिलेक्ट कीजिए कि हम भाई पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं है, नो सिलेक्ट किए तो आप यहाँ कितना पैसा देना पड़ेगा वो यहाँ लिख के आ जाएगा। अगर यही यस सिलेक्ट करते हैं तो ये लाइन गायब हो गई, बीपीएल कार्ड नंबर पूछ रहा है, ईयर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यानी आप बिलो पॉवर्टी लाइन है उसका प्रूफ इसमें आपको देना होगा, और अगर नो करते हैं तो आपको पैसे दे दोगे, दोनों दो कंडीशन है। आप जिससे आते हैं वो अपना सेलेक्ट कीजिएगा, मैं पॉवर्टी लाइन में नहीं हूँ तो नो लिखा। अब कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पे 10 रुपीज, रेलवे में हमको ये 10 रुपए लगेंगे, किसी विभाग में आपको अलग भी लगते होंगे, तो जो विभाग आपका सेलेक्ट किया उसके अनुसार यहाँ बता। अब जो है यहाँ जो आरटीआई का आपको करना है करेक्टर यहाँ मांगेगा, उस करेक्टर को चूज करना है, और उसके बाद इसमें जो है फाइल चूज करके डालना, अगर उससे जो आरटीआई मांग रहा है उससे रिलेटेड कोई फाइल है तो उसको पीडीएफ फॉर्म में यहाँ अपलोड करना, जो कि 1 MB, देखिए यहाँ लिखा हुआ वनली पीडीएफ अप टू 1 MB, ये फोटो वगैरह के रूप में नहीं जाएगी, ये जब जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में जाएगी, और वो 1 MB से कम रहनी चाहिए, 1 MB से ज्यादा होगा तो ये आपको नहीं लगेगा। सबसे पहले हम आरटीआई का बॉडी है वो टाइप करते हैं, इसमें जो चीजें है उन चीजों को टाइप करना है। मैं रेलवे में हूँ धनबाद डिवीजन में, मुझे पनिशमेंट के तहत रेलवे से रिमूव कर दिया गया है, मैंने उसके खिलाफ एक अपील किया था ADRM को, अभी तक उसका कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला है। इसी रिस्पॉन्स की जानकारी के लिए मैं आरटीआई कर रहा हूँ, मैं जो ये आरटीआई कर रहा हूँ उसी पर मैं आपको बताता हूँ कि रेलवे बोर्ड के नियम के अनुसार उसका गाइडलाइन है, रेलवे बोर्ड का लेटर नंबर ED&A 71 RG 6/22/2171 का ये रूल है, जिसके अनुसार कहता है द अपलेट अथॉरिटी शुड गिव हाई प्रायोरिटी टू डिस्पोज ऑफ अपील एंड एज फार एज पॉसिबल एन अपील शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 1 मंथ, यानी कि इसको हाई प्रायोरिटी देना है और इसको 1 महीने के अंदर जो है डिस्पोज करना है। लेकिन रेलवे बोर्ड के गाइडलाइनों को हमारे डिवीजन में कोई अहमियत नहीं दी जाती है, उसका कहना है कि रेलवे बोर्ड बैठे बैठे बनाते रहेगा हम सुनते रहेंगे, उसका काम बनाना है, हमारा काम अपना है, हमारी जो मर्जी होगी वही करेंगे। अभी यहाँ के DRM जो है अनिल मिश्रा है, इनका भी रवैया सेम टू सेम वही है। मैं SNT विभाग में हूँ, SNT में जो सबसे हेड है SNT DRM जो है अजीत कुमार, उनको नियम कानून से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं ओपनली नाम लेकर बोल रहा हूँ क्योंकि इन सारी चीजों का मेरे पास प्रमाण अवेलेबल है। इतना अपील किया है, ये अपील मैंने किया था 19/8/19 को, जिसको लोगों ने लेने से मना किया तो मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा था, रजिस्टर्ड पोस्ट जो है ये जा करके डिलीवर हुआ है, ये डिलीवरी डेट है 26/8/19,
और आज हो रहा है 18/10/19, यानी करीब करीब 2 महीने, लगभग 2 महीने से थोड़ा 6 दिन 8 दिन कम है, लगभग लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है उस लेटर का, कि उस लेटर पर क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, कुछ करेंगे भी नहीं या नहीं करेंगे कोई तरह का। यहाँ स्पष्ट डिलीवरी में लिखा हुआ है, देखिए, आइटम डिलीवर्ड कन्फर्म टू ADRM, लेकिन हमें कोई चीज का रिस्पांस नहीं मिला है। पिछली बार भी कई बार अपील दी, लौटाया गया, रजिस्ट्री किया, रजिस्ट्री लौटाया गया। इन चीजों के बाद मैंने RTI किए, RTI से भी कोई जवाब नहीं मिला। CIC को अपील की, जिसमें DRM SNT यानी सीनियर DST अजीत कुमार को पनिशमेंट भी हुई, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। उस तो अभी मेरे अपील का जवाब नहीं दिया है, तो इसकी मैं अपने RTI के जरिए मांग रहा हूँ। मैंने देखिए लिखा है कि मैंने भाई 19/8/19 को अपना अपील भेजा था, जो आपके पास 26/8 को पहुंचा है, इस पर मुझे निम्नलिखित जानकारी चाहिए। इन चीजों में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं उसके अंत में आपको क्वेश्चन वाचक चिन्ह नहीं रहने हैं, प्रश्न वाचक चिन्ह नहीं रहने, यानी इसलिए नहीं डालना है कि आगे चल के वो दिक्कत करता है, आपको इन्फॉर्मेशन देने में मना कर देता है। इसके अलावा कुछ चीजों को इसमें सावधानी रखनी है, किसी का पर्सनल डिटेल आपको नहीं मिलेगा। कि एक भी व्यक्ति है, जैसे मान लिया आप किसी व्यक्ति को जानते, कहे कि उसका जो है घर बार का पता चाहिए, या उसका कौन सा सर्टिफिकेट वो जमा किए वो चाहिए, तो ये पर्सनल चीज़ों की नहीं जानकारी मिलेगी। तो इन चीज़ों को बचा के यहाँ डालना है, तो इस तरीका से डाल दिया। अब उसके बाद ये फाइल चुनना है, तो फाइल मैं चुन लेता हूँ, डाल दिया। उसके बाद इसमें आपको कोड लिखने हैं 482398, और उसके बाद मेक पेमेंट पे दबा देना है। इसके बाद ये आपको खुला, इसमें आपको कैसे पेमेंट करना है, इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से, ये आपको डालना है। क्रेडिट कार्ड से मैं डालता हूँ। इसके बाद क्रेडिट कार्ड का डिटेल डालना है आपको, इसमें टोटल क्रेडिट कार्ड का डिटेल डालना है। डालने के बाद आपको पे करना है, पेमेंट होने के बाद आपको कन्फर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ मैं डिटेल डालता हूँ, लेकिन वो मैं आपसे हाइड कर दूंगा, क्योंकि ये सेंसिटिव चीज है, इसको मैं डाल लेता हूँ। ये जो है पेमेंट डालने के बाद ये हमारा डिटेल आ गया है सक्सेसफुली का, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये दिया है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट हुआ उसका डिटेल आया है, और ये फुलफिल हो गया है। इसको आप सेव कर सकते हैं, सेव कर लीजिए, और इसके बाद आपको 30 दिन के अंदर जो है जवाब मिलेगा। जो भी जवाब हो, जैसा भी जवाब हो, आपको कुछ मिलेगा। अगर उस जवाब से आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, तो उसका अपील उसके बाद आप कर सकते हैं, यहीं से ऑनलाइन ही अपील हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ये सबमिट फर्स्ट अपील में जाना है, यहाँ से आपको अपील हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको RTI करना समझ में आया होगा, किस हिसाब से करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।